तुझको बुलाए रे मुसाफिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुसाई ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया से हूँ और कुछ इस प्रकार से हूँ। घर का पीछे का हाल देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसी हूँ और क्या क्या घर में आजकल काम चल रहा है। तो घर में चल रहा है आजकल पेंटिंग का काम और इससे पहले चल रहा था रिपेयरिंग का काम। तो ये देखिए बाल्टियाँ देख के तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग चल रही है। और घर का ये वाला हमारा पेंट पहले वाला है जो अब रिमूव होके इसमें नया पेंट होगा। तो भैया लोग भी लगे हुए हैं काम पे, पेंटिंग के काम पे। और पहले उस टाइप का पेंट था कुछ ऐसा, अब कुछ चेंज देखते हैं। अगर कुछ कलर तो चेंज हो गई मगर अगर डिज़ाइनिंग भी चेंज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, कोशिश करती हूँ इनको बोल के। और यहाँ पे इस वाले रूम में हमने ये शोकेश वगैरह सब हटवा दिए क्योंकि अब इनका ट्रेंड ही नहीं है, है ना। ट्रेंड में तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं, उतना तो नहीं हो पाएगा मगर जितना भी हो पाएगा कोशिश करेंगे कि नया लुक दे पाएँ घर को। और एक घर और जो शादी होती है ना उसको तो हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो बस हमारे पास जितना गुड़ है हम उतना ही डालेंगे, समझ ही गए होंगे बाकी तो आप। और चलिए फिर दिखाते हैं कहाँ कहाँ तक पेंट शुरू हो चुका है, आज ही से काम शुरू हुआ है और किस हद तक शुरू हो चुका है और कहाँ तक अभी होने वाला है। तो फाइनली आज शायद एक या दो रूम कंप्लीट हो पाएंगे और ये दो रूम कंप्लीट हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा राहत मिलेगी क्योंकि बच्चे भी अभी स्कूल में हैं। जब तक बच्चे स्कूल में हैं ना तब तक घर का थोड़ा काम हो जाए तो फिर ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ना पूरा कैसा बिखरा पड़ा है इधर सामान। हमने कुछ सामान हमने स्टोर में डाला हुआ है, डाइनिंग में टीवी वगैरह सब ऐसे ही फैला हुआ है। ये देख सकते हैं लॉबी में, ये तो लॉबी बड़ी है इस वजह से यहाँ पे सारा सामान एडजस्ट हो जाता है, स्टोर वगैरह है। और किचन अभी सेफ है, अभी किचन में कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए रूम में चल के दिखाती हूँ अभी कैसा पेंट हो रहा है और वो आप भी बताएंगे कि कैसा लग रहा है ये वाला शेड। ये हमारा लॉबी का पहले वाला पेंट जो कि अब कुछ चेंज हो जाएगा, प्लेन शेड आ जाएगा यहाँ पे। और पहले ये वाला लाइनिंग वाला शेड था और हम जो पेंट अंदर वाला करवा रहे हैं ना ये कम से कम करवा रहे हैं 8 साल पूरे हो गए। और ये भी ना ये वाला पेंट भी जो पहले किया था इन्हीं भैया ने किया था और काफ़ी अच्छा पेंट करते हैं। ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेंट को हमारा काफ़ी टाइम हो गया था, ख़राब नहीं हुआ था। हाँ सीलन जो है वो उससे तो कोई बच नहीं सकता जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और अब कुछ इस तरीके का पेंट हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस वाले रूम में भी बस वही सीलन की प्रॉब्लम, नहीं तो पेंट अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और चलिए देखते हैं आज कितना हो पाता है, फिर आपको दिखाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। अभी बच्चों का भी टाइम होने वाला है और मैं बनाती हूँ दाल, और दाल बॉयल कर रखी है मैंने अरहर की, ये अरहर की दाल बॉयल हो चुकी है। तो फटाफट से बना लेती हूँ दाल। और आज कुछ ऐसा झाड़ू पोछा भी नहीं किया है क्योंकि करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं था, फिर वैसे ही हो जाना था। तो अब जो भी काम होगा भैया लोगों के जाने के बाद ही शाम को आराम से झाड़ू पोछा होगा, फिर जाके सोने को आराम से मिलेगा क्योंकि ऐसे में सोने का लेटने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। गुसाई जी भी लगे हुए थे थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर हल्का फुल्का रिपेयर था जैसे यहाँ पर पुट्टी वगैरह लगाना फर्श में, उनके बीच में गैप आ रहा था तो वो भी गुसाई जी ने किया। तो बाकी चलिए खाना वाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, जितना हो पाता है मैं आपको दिखाती रहती हूँ ब्लॉग में। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और अपने हमारे ब्लॉग को प्लीज़ प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, बहुत प्यार प्यार से कमेंट करते रहिएगा। तो खाने में मैंने बनाई है अरहर की दाल जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट है, और चावल यहाँ पर मैंने चढ़ा रखे हैं और बच्चों का आने का टाइम भी हो चुका है। और अब मैं बना रही हूँ चटनी, हरी चटनी। और आजकल धनिया देखो 10 रुपये का धनिया था और इतना तो इसमें ये कबाड़ी आ गया, बच्चा इतना धनिया, तो इसको डस्टबिन में डाल देते हैं और बनाना शुरू करते हैं चटनी। दाल चावल तो बन गए, अब ये बनाते हैं हरी चटनी। तो हरी चटनी है ना तो खाने का थोड़ा मजा ही कुछ और होता है। क्यों आपको कैसी लगती है चटनी वटनी? टमाटर मिर्ची की चटनी रेडी। खाने का मेरा
टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके साथ है ना, आजकल खाने का मन नहीं करता। ये देखो ये बन गई पतली सी चटनी, आप इसको पी भी सकते हो जब पी सकते हैं चटपटी चटनी कर। मजाक कर रही हूँ, कहीं सच में मत भूलिए। प्रेशर में भी सीटी आ गई है, इसको रख देती हूँ एक तरफ, अपना काम समेट लेती हूँ। ये हो गया एक तरफ, और बच्चों के लिए रख दिया था मैंने नींबू पानी बना के, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है ना। धूप से आएंगे तो नींबू पानी से थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो ये नींबू पानी भी रेडी है दोनों के, चाकू इधर टांग देते हैं, ये भी रेडी है, और ये दो ग्लास नींबू पानी, और ये इतना सब मेरे लिए बच गया तो मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, ये गोसाई जी को दे देती हूँ। उनकी भी तबीयत आजकल ढीली चल रही है ना थोड़ी सी, मतलब ढीली भी क्या चल रही है लग रहा, तो थोड़ा उनको दे देती हूँ। दाल बन गई है, बंद कर देती हूँ। चावल में भी दो सीटी आ गई है मेरे। चलो भाई ये तो हो गया हमारा किचन का काम, पेंटिंग का काम अभी चल ही रहा है। चलिए मिलती रहती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी देर में। काम बहुत ज़्यादा है आपको पता ही है, जब घर में ऐसा कुछ काम होता है ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों खाना वाना खाने के बाद ना सुस्ती सी आने लगी, लग रहा है कि लेट जाएं, मगर लेटे कैसे हैं। अभी तो इस वाले कमरे में भी होनी है पेंटिंग, और ये देखो अभी इसका सामान भी हमें, ये दीवार की पेंटिंग्स वगैरह, ये पेंटिंग्स वगैरह, ये सब खाली करना पड़ेगा। तो देखते हैं भैया लोग कब तक उस वाले रूम में पेंट करते हैं, उसके बाद हम आ जाए इस रूम से भी बाहर निकल जाएंगे तो आज हमें पता नहीं कहाँ सोना पड़ता है। खैर सोने के लिए तो शाम को हो ही जाएगा, खैर बेड तो यहीं रहेंगे, मगर साफ़ सफाई शाम को बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और पीहू ने अभी खाया नहीं है, क्योंकि पीहू बहुत लेट लतीफ़ खाती है, देर देर तक खाती रहती है, अभी नहीं खाया। और ऋषि ने खा लिया है, देखते हैं पीहू का भी खाना धीरे 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 होता है, उसके बाद उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, सोने का टाइम मिलेगा नहीं, और जब मैं सुलाती हूँ तो तब वो उठती नहीं है, पहले सोने से सोते नहीं है, फिर जब सोते हैं तो फिर उठते नहीं है। बच्चों के साथ यही है, तो वैसे भी सोना नहीं है, अगर मुझे सोना भी होता था ना आज तो वैसे भी नहीं सोंगी पेंटिंग वेंटिंग के चक्कर में। और मुझे तेल का कनस्तर लेने के लिए भी जाना है, मस्टर्ड ऑयल का, तो इसलिए टाइम से चली जाऊँगी। मौसम भी आज बादल बादल जैसा हो रहा है बाहर, तो चलिए थोड़ा सा लेटते हैं जब तक उस कमरे में पेंट हो रहा है, फिर मिलते हैं आपको कल वाले व्लॉग में। कल दिखाऊंगी कि पेंट कितना हो चुका है, आज तो एक कमरे में ही चल रहा है अभी, शायद शाम तक इस वाले में हो जाए या ना हो, जो भी हो जैसा भी होगा आपको व्लॉग के माध्यम से दिखाती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे नई व्लॉग के साथ, ठीक है, बाय बाय। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हो ना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी गलत हो या कुछ भी मैंने ठीक से ना बनाया व्लॉग या जो भी कमी हो व्लॉग में तो वो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। हाँ फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।